हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल सुपर टेस्टी झटपट बनने वाला वेजिटेबल सूप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है सब्जियाँ, मटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, कैरेट, फूल गोभी और टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और तेज पत्ता। तो यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है। गैस को ऑन करेंगे और गैस को स्लो कर देंगे। इसमें हम एक चम्मच बटर डालेंगे। आपके पास बटर है तो डालिए, नहीं है तो आप घी से भी बना सकते हो या तेल भी डाल सकते हो। बटर मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट पक गया है तो अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को भी हम पका लेंगे। ये सब अच्छे से पक गया है तो अब हम सब्जियां डालेंगे, फूल गोभी, मटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर हम बाद में डालेंगे। इन सारी सब्जियों को हम मिक्स करके थोड़े से पका लेंगे। सब्जियां हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, सूप में थोड़ा सा क्रंच आए तो सूप पीने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सब्जियां थोड़ी सी पक गई है तो अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। और इसे ढक करके उबाल आने देंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी बनाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से सूप गाढ़ा होता है, बिल्कुल होटल के जैसा बनता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए स्लरी हमारी बनकर के तैयार है। सब्जियां में उबाल आ गया है तो अब हम थोड़ी थोड़ी करके स्लरी को इसमें डाल देंगे। स्लरी को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट इसे पका लेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 नींबू निचोएंगे। नींबू निचोने से सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सूप में से। सूप बन करके तैयार है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। सूप बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।